नमस्कार, मैं निलांज तिवारी, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मॉलिटिक्स ऐप के रेज योर वॉइस सेक्शन में एक यूजर ने एक मुद्दा उठाया और लिखा, कर्ज चुकाने में असमर्थ बुंदेलखंड के किसान कर रहे हैं आत्महत्या। सहकारी ग्राम विकास बैंक ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विभिन्न भागों में किसानों की संपत्तियों की नीलामी के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसको देख कुछ याद आया जो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसान है तो अन्न है, अन्न है तो कल है। खैर, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन ये सरकार नहीं समझ पा रही है। आज से लगभग 3 साल पहले एक रिपोर्ट आया था, एक डेटा आया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो संसद में भी पेश किया गया और उसके अनुसार बताया गया कितनी मौतें हुई हैं किसानों की, कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इस रिकॉर्ड के अनुसार 2015 में लगभग 12,000 किसानों ने आत्महत्याएं की थी और 2016 में लगभग 11,000 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस जो रिकॉर्ड को बनाया गया था, इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की, वो लगातार कम हो रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात एक और है कि ज़्यादातर आत्महत्याएं उन राज्यों में हुई हैं जहाँ का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई योग्य है। खैर, अब 3 साल से कोई रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि सरकार ने 2016 के बाद से रिपोर्ट देना बंद कर दिया है, डेटा देना बंद कर दिया है और यह बताना बंद कर दिया है कि कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। लेकिन फिर भी हम उठाते रहेंगे ऐसे मुद्दे, पहुंचाते रहेंगे सरकार तक और उठाते रहेंगे किसानों और आपकी आवाज़। हमारे रेज योर वॉइस सेक्शन की मदद से आप भी उठाते रहिए ऐसे मुद्दे। लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अब आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।